से हम लोग अजमेर के लिए निकल रहे हैं। आप ये कटनी के स्टेशन में बैठे हुए हैं। अभी ये आए हम लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में काफ़ी ही ज़्यादा क्राउड था, हम लोगों को जगह नहीं मिली, तो हम लोग बैठ के ऐसे ही गए। पूरा अजमेर का सफ़र आज हमारा ऐसे ही होगा। जब बोलते हैं ना, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं वही अजमेर जाते हैं, तो आज हम भी बैठते हुए ही अजमेर शरीफ जाएंगे। देखिए भी ये कोटे के स्टेशन में काफ़ी ही ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिलता है, और इस दौरान आपको ट्रेन में कव्वालियाँ होते हुए दिखती हैं। देखिए कितनी ही खूबसूरत आवाज़ में कव्वालियाँ कव्वाली पड़ता है। अभी हम पहुँच गए हैं जयपुर। फाइनली हम जयपुर आ गए हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूर में है हमारा अजमेर शरीफ। यह है देख लेते जयपुर का स्टेशन, काफ़ी ही ब्यूटीफुल सा है। अभी अब बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले थे अजमेर शरीफ के लिए। फाइनली प्लेटफॉर्म में ट्रेन घुस ही गई थी। अब ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल सा स्टेशन आपको ये देखने को मिलता है अजमेर का। काफ़ी सुंदर, आप लोग तो गए ही होंगे। ये काफ़ी ही ज़्यादा ही क्राउड एरिया होता है इस एरिया में। काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खुशी हम लोगों को मिल रही थी कि हम लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं और अजमेर शरीफ पहुँचे। कहते हैं जिन्हें देखो भाई साथ अजमेर शरीफ नमाज 811 और देखो भाई मैं इस साथ जा रहे हैं की तलाश करने के लिए। अब आपसे मिलते हैं हम रूम ढूंढने के बाद, फ्रेश होने के बाद आपको मिलते हैं सीधा दरगाह शरीफ में। फाइनली पहुंच गए। आप यहाँ का क्राउड देख ही सकते हैं, काफी ही ज्यादा क्राउड है, काफी ही ज्यादा भीड़ है भाई। इस भीड़ में हमको दरगाह शरीफ के अंदर घुसना है। काफ़ी ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है अजमेर शरीफ में। मेन गेट है, काफ़ी ही ब्यूटीफुल सजा के रखा हुआ है। ये यहाँ का निजाम गेट है, काफी ही सुंदर सजावट की गई है यहाँ की, और उसके दौरान काफ़ी ही ज़्यादा सजाया जाता है। 811 उर्स है ख्वाजा साहब का, और काफ़ी ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा इस बार देखने को मिल रहा है। व्यवस्था भी काफ़ी ही अच्छी रखी गई है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं हर जगह पे। जाके वजू कर लेता हूँ। वजू करने के बाद सीधा दरगाह शरीफ के अंदर ज़ियारत करने के लिए जाऊँगा। ये आप देख रहे हैं, ये है वजू खाना। यहीं पे लोग वाव वजू बनाते हैं, और वजू बनाने के बाद फिर दरगाह शरीफ के अंदर जाते हैं हाथ पांव धोने के बाद। ये देखिए, ये है वजू खाना, ये यहाँ का वजू खाना है। यहीं से लोग बाग हाथ और पाँव धो के फिर अंदर के लिए जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। चलिए हम भी कर लेते हैं।
फिर आपको मिलते हैं अंदर ज़्यारत करने के टाइम पे। आप देख रहे हैं इसको कुल कहते हैं। ये छठी शरीफ में खेला जाता है जिसमें कि इत्र, गुलाब जल और काफ़ी ही चंदन का उपयोग किया जाता है। सबको नहलाया जाता है, काफ़ी ब्यूटीफुल रस्म होती है ये। और ये फिर 9 तारीख के दिन भी होती है। इतना ही सुंदर सजाया गया है। ख्वाजा गरी नवाज, हक मोइन, या मोइन, सबकी ज़ियारत कबूल फरमाइए। ज़्यादा क्राउड है, अब हम भी जाते हैं लाइन में लगने के लिए। फिर हम दरगाह के अंदर जाते हैं। दरगाह के अंदर का आपको थोड़ा सा सीन दिखाते हैं। देखिए काफ़ी ही ज़्यादा क्राउड हो है, मैं भी लगा हुआ हूँ लाइन में। और दरगाह शरीफ के अंदर के लिए देखिए ये अंदर का छोटा सा व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि यहीं तक ही मैं वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि उसके अंदर ही कैमरे के ले जाने की इजाज़त नहीं है। काफ़ी देखो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, और लोग जन्नती दरवाजे से घुस के अंदर आए हैं, और इसके अंदर ही मज़ार पाक है। और काफ़ी ही देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, इसके अंदर वीडियो अलाउ नहीं है। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा, फिर मिलूँगा मैं आपको ज़ियारत करने के बाद बाहर आके। फिर मैं आपको दिखाऊँगा और आगे के बड़ी बड़ी देग जहाँ पे लंगर बनाया जाता है। चलिए आपको लेके चलता हूँ बड़ी देग दिखाने के लिए। आइए आपको मैं बड़ी देग की ज़ियारत कराता हूँ, जहाँ पे खूब सारा लंगर बनाया जाता है। काफ़ी ही साल से वहाँ पे चंदे जोड़े जाते हैं, और फिर उर्स के दौरान वहाँ पे लंगड़े आम बनाया जाता है। कर रहे हैं आप बड़ी देग की, देखिए कितना ही सारा सामान इसमें पड़ा हुआ है लंगड़ बनाने के लिए। सारा सामान इसी में मौजूद है। के पास का नज़ारा कर लीजिए, काफ़ी ही सुंदर सा सजाया गया है, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी सजावट करते हैं। काफ़ी देखिए सामान रखा हुआ है, काफ़ी देखिए क्राउड कितना है, इससे डबल क्राउड होने वाला है लंगड़ के टाइम। ये देखिए सब लोग लगे हुए हैं निकालने में सामान को। इसमें देख बनाया जाएगा, वो भी बहुत सारा देग बनता है। आप गूगल कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कितना इसमें देग बनाया जाता है, कितना लंगड़ इसमें बनता है। उसके दौरान आपको जगह जगह पे कव्वाली होती हुई दिखाई देगी। दरबार के आसपास, कैंपस के अंदर हर जगह आपको कव्वाली सुनने को मिलेगी। देखिए काफ़ी ही सुंदर सुंदर कव्वालियाँ होती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल वॉइस होती है। दरबार क्या दरबार है, ख्वाजा गरीब नमाज का, जहाँ रहमत बरसती है। बाहर जाते हुए ये देख लीजिए काफ़ी ही ज़्यादा क्राउड है। अब हम इस भीड़ में बाहर जाएंगे और खाना की तलाश करेंगे। देखिए काफ़ी ही ब्यूटीफुल, पीछे से आपको गेट दिख रहा होगा, मेन गेट दरगाह शरीफ का। अब हम लोग जा रहे हैं खाने की। देखिए काफ़ी ही धूमधाम से लोग बाग चादर लेकर आते हैं, काफ़ी ही दूर दूर से लोग बाग चादर लाते हैं। काफ़ी ही अच्छे तरीके से नाश्ते खाते हुए ये मलंग लोग हैं। ये जो चादर आई है ये मलंग की चादर आई है। ये देखिए काफ़ी ही ज़्यादा, ये महाराष्ट्र से चादर आई थी, काफ़ी ही सुंदर चादर है। अब ये देखिए काफ़ी लोग आते हैं भाई, काफ़ी सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। आप भी आके देखो तो एक बार, तो आके चमक जाएंगी भाई। ये आई थी महाराष्ट्र से चादर, ये डोंगरी की चादर है, डोंगरी की। मैंने पूछा था, देखिए चादर है भाई, भाई नाग चादर है, कहाँ की चादर है। बाद अब लग रही थी भूख, अब हम लोग जा रहे हैं खाने की तलाश करने के लिए, कोई होटल मिल जाए वहाँ खाना खाते हैं। ये है हम लोगों को होटल खाना खाने के लिए। हम लोग यहाँ पे अब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट दिन। आज बहुत ही थक गए हैं, खाना खाने के जस्ट बाद हम लोग अब जाएंगे सोने के लिए। आपके लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।